अस्सलाम वालेकुम हजरत, दिस इज़ डॉक्टर नईम्स क्लिनिक बोल्टन कपिंग सेंटर माशाल्लाह ताला। हम लोग यहाँ पर हैं, अब्दुल्ला राणा साहब हियर हैं जी। अब्दुल्ला राणा साहब बताएं, आपने कपिंग माशाल्लाह ताला पिछले महीने किया था, तो जब आप मेरे पास आए थे तो क्या क्या तकलीफ़ें थी आपको? और मुझे माइग्रेन थी, जी नेक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। वो तो एवरी डे मुझे 3-4 दफ़ा पेन किलर लेनी पड़ती थी। हाँ और सेकंडली शोल्डर की थी, जी नींद में बहुत प्रॉब्लम थी जी कि मैं एक साइड पे सोता था ऐसे जैसे मुझे कौन से शोल्डर पे थी ये प्रॉपर? साइड पे, अच्छा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ये तो फिनिश हो गई है, ये साइड पे थोड़ी सी है, अच्छा लेकिन माइग्रेन का अभी तक मुझे पूरे होल मंथ में नहीं हुई, माशाल्लाह, एक ही सेशन हुआ। एक सेशन में हुआ और है। ये आप बताएं ऑनेस्टली कि कितने साल से ये माइग्रेन की तकलीफ है ये आपको? तो बहुत टाइम से थी, ये समझ ले के जब से इंग्लैंड आया उस टाइम से, मतलब कितने साल हुए ट्वेंटी होंगे? ईयर अंदाजा हो गए, 20 ईयर्स है। 20 ईयर से और एक ही सेशन में फिर एक आपको एक सेशन महीने में से अभी तक हुई माइग्रेन है। का पेन नहीं नहीं हुआ? और माइग्रेन का ऐसे होता था कि अगर मुझे हो गई है ना, तो 2-3 दिन जैसे बंदा वो नहीं होता कि थोड़ा सा नींद में होता है हाँ हाँ कि मुझे हाँ भूल जाता था उस टाइम दर्द के टाइम में कहाँ पे हूँ, क्या मेरे साथ अल्लाह था। अकबर अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अभी तो मैं सुकून से हो गया हूँ, अच्छा जैसे अच्छा ना कि मेरी नेक के अंदर नेल थे वो किसी ने निकाल दिए, अभी माशाल्लाह, इतना रिलैक्स हो गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और काम में एक्टिव हो गया हूँ। और नींद का अल्हम्दुलिल्लाह, वजह मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, ऐसे जैसे बेड पे गया हो सो जाते सीट पर हैं। सो जाएगा। हाँ आपने बताया था कि नींद का आपको काफ़ी डिस्टर्ब स्लीप था नहीं अभी आपको, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है माशाल्लाह उस माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा। और शोल्डर कुछ क्या आपको मूवमेंट में टाइम। प्रॉब्लम हो रही थी? आप पूरा मूवमेंट शोल्डर का नहीं? ये था कि अगर मैंने समटाइम किचन में गया हूँ शुगर का बैग उठाया ना, तो जी वो मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता था, ऑल राइट, ओके ग्रिप ओके। करता, तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल राइट, शुक्र। ओके ओके। तो ये हम लोग वीडियो तो बना रहे हैं आज इस नीयत से बना रहे हैं कि ये सुन्नत का तरीका मैं सब सभी को अपनाएं। बोलता हूँ ये करना तो मैं चाहिए। आपको एक और सवाल पूछ रहा हूँ कि आप पहले जो गोलियाँ खाते थे, जी कितनी गोलियाँ कितने अरसे में कितनी लंबे तक आपने खाई हैं ये इसको, था पेन कि किलर्स? आइब्रोफेन मैं समटाइम लेता था, उसका मुझे साइड इफेक्ट था, मेरी आंखों में स्वेलिंग हो जाती थी, आइबुप्रोफेन वगैरह की? मैं इसलिए वो अच्छा, पेन के लिए मुझे लेनी पड़ती थी कोई चारा ही नहीं था आपका? साइड इफेक्ट। अच्छा, क्योंकि ये कपिंग का जो तरीका है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हमें से जबरदस्त। बेहतरीन तरीका है, और इसके अंदर कोई मेडिसिन नहीं लेनी है, तो आपको साइड इफेक्ट नहीं है। मैं तो सभी को बोलना करना चाहिए। अच्छा, तो मैं उस सवाल पर भी आता हूँ। तो आप इतने साल तक आइबुप्रोफेन लेते भी रहे और पेन को और सहन भी क्या करते रहे और पेन आता भी रहा बात आपका, है, जाते रहता लेकिन है यहाँ माशाल्लाह ताला एक ही सेशन में आपको इतना फ़र्क है। हालांकि सबको एक में नहीं होता है, सही अल्लाह बात ने चाहा तो एक में भी हो सकता है सबको, सही बात। लेकिन करना। तो आप जो स्केप्टिकल लोग हैं जो इसके बारे में नेगेटिव बताते हैं, उनको आप क्या राय देंगे? मैं तो बोलता हूँ ये तो हर बंदे की अपनी सोच है, सबसे पहले तो सुन्नत है, ठीक बेशक। है, और दूसरा सुन्नत को एक साइड पे मैं छोड़ के ना, हाँ अगर मैं अपनी जो मुझे पेन रिलीव मिला ना उस हिसाब से जाऊँ ना, तो हाँ मैं तो प्रेफर करूँगा हर बंदे को करना चाहिए, माशाल्लाह दैट्स माशाल्लाह दैट, माशाल्लाह और कुछ नहीं है। सुन्नत का तो फायदा फायदा है, लेकिन माशाल्लाह जो मुझे फायदा हुआ है तो मैं तो बोलूँगा हर बंदे को करना चाहिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बेटे ने भी सुबह कराया है, ठीक हाँ जी है, जी जी और मैं तो दोस्तों को भी बोल रहा हूँ, हाँ आपको हाँ पता है नेक्स्ट डे मेरा एक दोस्त भी आ गया जी था जी 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 कराने जी के लिए, अभी माशाल्लाह। फैक्ट्री में जो भी होता है मैं उसको बोलता हूँ यार करना चाहिए। ठीक है ठीक है, चलो बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैरन। आपका जो रिव्यू देखेंगे जो भी यूट्यूब वाले हैं, हम उनसे दुआ करेंगे कि वो आपके लिए दुआ करें, मेरे लिए आमीन और सबके लिए दुआ करें, और उम्मत के लिए वो दुआ करें। जज़ाकअल्लाह खैरन। जजाकल्लाह ओके, इस्लाम अल्लाह है। हाफिज़।